सातों की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो दो महीना हो, कथा तो सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं रह गया, कहती ये सात्विक की कथा है। कहती ये तामसी कथा किसको कहते हैं, बोले सात दिन तक जैसे कथा रखे, कभी कथा में बैठे फिर मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम करके आ गए, नहीं तो कथा को बीच में आए, नहीं तो जब कथा खत्म होते जा रही उस समय आए, किसी ना किसी तरह से सात दिन सुने और नहीं सुन करके ये सात दिन बिता देना, इसको कहती है तामसी कथा। ये कथा एकदम सही कथा नहीं। बोले भैया असली कथा क्या है, निर्गुण कथा किसको कहते हैं। बोले निर्गुण कथा कहते हैं जिसने अपना जीवन को ही कथा बनाया, अपना जीवन को ही ठाकुर जी की, अपना जीवन को कथा बना दे। बोले कैसे, जैसे घर में रोज क्या करे, सवेरे उठे स्नान करे, तिलक लगाए, ठाकुर जी का आरती उतारे, तुलसी की परिक्रमा करो, आरती उतारो, नियम करके ठाकुर जी का स्नान कराओ, उसका चरणामृत लो, घर में नियम बनाओ, जैसे गीता हो नहीं तो भागवत हो नहीं तो रामायण हो, रोज नियम करके पढ़ो, कुछ ना कुछ एक एक अध्याय हो, कुछ कुछ रोज नियम करके पूरा अपना जीवन को जीवन भर। इसलिए आप जितने पुराने लोगों को देख लो, तुम्हारी अपना मैया को देख लो, तुम्हारी अपना मैया को देख लो, घर में पहले क्या करते थे, सवेरे उठ करके जितने बड़े बूढ़ी 4 बजे उठ जाएंगे, नहा धो करके ठाकुर का स्नान कराएंगे, गीता रामायण पढ़ेंगे, भागवत नहीं तो पढ़ेंगे। लेकिन जब से ये टीवी आ गई ना, जब से ये टीवी आ गई, स्मार्टफोन आ गया, वहां से सब चीज को नष्ट कर दिया, हमारी सारी संस्कृति को ये नष्ट कर दिया सबके सब। इसलिए जो अपना जीवन को ही प्रभु की भक्ति में लगा दे, कर यही सही कथा है, ठीक है ना। क्या करना, रोज अपना घर में गीता हो रामायण हो भागवत हो, रोज कुछ ना कुछ भगवान की कथा को रोज अपना घर में पढ़नी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अरे जनरेटर चल रही है, फिर माइक क्यों नहीं चल रही, क्या हो गया, ये माइक क्यों नहीं चल रहा है, लोड नहीं उठा पा रहा, पिछली बार को लोड उठा पड़ा था। हरे कृष्ण। बोले एक बार ताली बजाती हो थोड़ा कीर्तन कर लो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा बोले गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा की जय, मेरे धारे की जय, बनवारी की जय, मेरे धारे की जय, बनवारी की जय, मेरे बोले कुंज बिहारी की जय, जय जय बोले कुंज की जय, जय जय रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि हरि
Hari bol, Hari bol, Hari 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 bol, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe. Radhe 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 देखो हम लोग ने जो कथा सुनी है ये पद्म पुराण की भागवत कथा की महात्म्य है। कहते श्री स्कंध पुराण में भी भागवत की महात्म्य बताए और भी 5 मिनट सुन लेते हैं, ठीक है। जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले गए, पांडव भी ये संसार को छोड़ गए, बोले जब भगवान कृष्ण ही रही रहे फिर दुनिया में रह करके कोई लाभ नहीं। लेकिन वो जाने से पहले हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को बनाए और वृंदावन का राजा कृष्ण का जो कौपुत्र थे बज्रनाथ को उन्होंने राजा बनाया। एक दिन परीक्षित महाराज वृंदावन में गए बज्रनाथ से मिलने के लिए, बोले बेटा सब ठीक ठाक है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरा जो मन है ना ये राज्य में लग ही नहीं रहा। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण जब ये संसार छोड़ करके गए वो पूरा के पूरा वृंदावन को लेके चले। जैसे भगवान राम जब अयोध्या गए, अब रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, सबके सब देखे हो। जब भगवान राम गए पूरा अयोध्या को लेकर ठाकुर जी गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति को छोड़ कर गए थे, बताओ किसको छोड़ गए? हनुमान जी को। बोले हनुमान जी अगर तू चले जाओगे फिर मेरे नाम को कथा को जगत में कौन प्रचार करेगा? केवल हनुमान को रखे सबको लेकर चले गए। उसी तरह जब कृष्ण जगत छोड़ करके गए केवल उन्होंने अपना तोते को छोड़ कर गए, वही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आए फिर ये भागवत कथा को प्रचार किया। बोले वृंदावन में तो कोई है ही नहीं फिर राजा किसी चीज का, इसलिए मेरा मन तो बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को ये पता है भगवान की 2 तरह का लीला है, एक तो उनकी व्यवहारिक लीला और उनका वास्तविक एक लीला है, सही एक लीला है। साधारण रूप में देखो कृष्ण छोड़ करके चले गए, लेकिन आप सही सही देखो ना कृष्ण वृंदावन छोड़ करके गए ही नहीं। कौन कौन वृंदावन गए हैं हाथ उठाओ, कौन कौन गए वृंदावन? इतना ही लोग और कोई गए नहीं वृंदावन धाम। आप बताओ कौन कौन जाना चाहते हो? आप सब ले चलिए, ठीक है, सबको वृंदावन हम ले चलेंगे। इसलिए वृंदावन में 2 वन है, एक निकुंज वन और एक निधु वन। आप गए होंगे निकुंज वन निधु वन में,
आप देखना वहां पर शाम होते ही वो जंगल में जितने बंदर है ना, बंदर कोई नहीं रहेगा, वो सब तुमको भगाना नहीं पड़ेगा। शाम होते ही जंगल से अपने आप निकलना शुरू करते हैं। वहां पर दो मंदिर है, वहां पर फूल की सज्जा लगती है, ठाकुर जी के लिए लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू रख लेते हैं। सवेरे आकर के देखोगे ऐसे लगेगा मानो फूल की सज्जा के ऊपर में रात में कोई लेट कर गया। कभी लड्डू आधा मिलेगी, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगा। अगर कोई जोर जबरदस्ती रुक जाएगा हम देखेंगे वो बोबा को तो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। उसी जंगल के पास में अपना बड़ी गुरु जी का मंदिर है। मैंने दो घटना देखा है, एक को देखा तो गुंगा बन गया और एक बूढ़ी माता जी को शरीर छोड़ते हुए हमने देखा। क्योंकि प्रभु की लीला दर्शन करने का बाद वो हिम्मत नहीं रहता है उसको कुछ बोलने का। जिन जिनियों को विश्वास नहीं होता है ना, कोई कहता है भगवान भगवान कौन देखेंगे। एक बार वृंदावन में जाए और उसी वन में एक रात रुक जाए, फिर तो पता चल जाएगा भगवान है क्या नहीं है, उनको अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए भगवान वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, अभी भी प्रभु वृंदावन में बंसुरी बजाते हैं, अभी भगवान कृष्ण रास करते हैं। भगवान की एक रास है वो नित्य रास है। अभी भी कृष्ण राधा रानी को साथ में, गोपियों को साथ में प्रभु रास करते हैं। अभी भी गोपियां जमुना में जल भरने जाती हैं, अभी भी कृष्ण गोचारण करने के लिए सखाओं को साथ में अभी भी ठाकुर जी चलते हैं। हाँ देखो आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, आज से 50 साल पहले का घटना है। बोले तो एक समय कोई एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, लेकिन वो बड़ी प्यारी थी, बड़ी पतिव्रता, देखने में बड़ी सुंदर थी और पति को अपना परमात्मा मानती थी, पति को सेवा करती थी। लेकिन इस शादी से कुछ दिन बाद में उसकी पत्नी मारा गई, लेकिन उसको पति बहुत ही आसक्ति था उसको बारे में। अभी 3 रात अपना पति की पत्नी की चिंता करते करते अभी वो पागल हो गया। अभी 3 बार कहता है हाँ किशोरी तू कहाँ चली गई है, हाँ किशोरी तू कितने अच्छी थी, हाँ किशोरी तू कितने प्यार से रोटी खिलाया करती थी। ऐसे घूमते घामते वो वृंदावन आ गया। अभी रात को नींद नहीं, हाँ किशोरी करके चित्कार कर रहा है। लेकिन वृंदावन में राधा रानी को सबके सब किशोरी कहते हैं, सबके सब किशोरी राधा जी को कहते हैं। अभी राधा रानी तो नित्य रास करती है, अभी अपना सखियों को साथ में अभी राधा रानी रास करने के लिए आई। लेकिन उसने सुना एक व्यक्ति को, ये हाँ किशोरी तू कहाँ हो, हाँ किशोरी तू कहाँ गई, अभी चिल्ला रहा है एक व्यक्ति। इतने में राधा रानी बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु राधा रानी, बड़ी भोली वाली है, इतना भोली गोपी राधे राधे। अभी राधा रानी को कान में आवाज पड़ते ही राधा रानी ललिता से बोली, बोले ललिते देखो कोई मेरे एक भक्त आया वृंदावन में, रात में सोया नहीं, देखो मेरे नाम को कैसे चिल्ला चिल्ला करके मेरे को पुकार रहा है, जाओ उसको ले करके आओ। ललिता तो राधा जी को बोले पागली, वो तेरे को नहीं पुकार रहा है, उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी पतिव्रता थी, कम उम्र में उसने शरीर छोड़ दिया, वो पत्नी की चिंता करते करते वो पागल हो गया है, वो अपना पत्नी को ही पुकार रहा है, तेरे को नहीं तू चुप रह। लेकिन वो बारंबार पुकारते जा रहे हैं हाँ किशोरी तू कहाँ, हाँ किशोरी कहाँ है। अब देखना जैसे दो व्यक्ति का अगर एक नाम हो, अब एक व्यक्ति को पुकारो दूसरे व्यक्ति आवाज लगा। अभी राधा रानी को तो रहा ही नहीं गया, देखो बोले हे ललिते हाँ मैं मान रही हूँ वो अपना पत्नी को पुकार रहा है, लेकिन किशोरी नाम किसकी है, मेरी है ना, मेरी नाम उसको दी गई, लेकिन नाम किसका, नाम मेरी है, वो वृंदावन में आकर के मेरे नाम को पुकार रही है, भले ही अपना पत्नी को क्यों नहीं पुकारे, लेकिन वो नाम मेरी नाम है, जा उसको लेकर के आओ। फिर ललिता जा करके फिर उसको लेकर के आया, आते ही राधा रानी उसके सर ऊपर हाथ रखती है, वो तो था एक पागल, लेकिन जब राधा रानी का हस्त स्पर्श होते ही
वो दूसरा पागल हो गया। अब श्री राधा रानी की पागल में पागल हो गया है। इसलिए अगर अभी भी हमारे संप्रदाय में एक संत थे वो रोज झाड़ू लगाते थे निधुवन में, राधा रानी का नाम को लेकर रोज झाड़ू लगाया करते थे, राधा रानी जानबूझ करके अपना चरण की नुपुर छोड़ करके राधा रानी गया, वो संतों को नुपुर प्राप्त होगी। ललिता विशाखा लेने के लिए आए, उन्होंने दिया ही नहीं, बोले जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए, तब राधा रानी स्वयं वहां पर आती है, वो संत उनकी चरण में अपना हाथों से नुपुर पहनाते हैं। अभी भी वो स्थान का नाम झाड़ू मंडल है, क्योंकि वहीं पर झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी के चरण के नुपुर उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए अभी भी भगवान ऐसे ऐसे जो साधन करें, अभी भी ठाकुर जी उनको कृपा करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर ऐसे हम भक्त बनेंगे फिर भगवान हमारा लिए भी ठाकुर जी करेंगे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। जय जय का 16,100 पटरानियां है। जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर चले गए, ये महिषिया बड़ी दुखी है, लेकिन उन्होंने देखा जो कालिंदी जो यमुना वो बड़ी प्रसन्न है। तब महिषियों ने पूछा, कालिंदी तुम भी कृष्ण प्रिया और हम भी कृष्ण प्रिया, लेकिन कृष्ण विरह में तो हम तो बड़े दुखी, लेकिन तेरी अंदर में कोई दुख ही नहीं। तब वो कालिंदी कहती है, बोले ये राधा जी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं नहीं है, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है, केवल ये राधा जी की कृपा होना तभी ये अनुभूति होती है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं वृंदावन, जोर से बोलो और जोर से, पीछे वाले तो कोई बोल नहीं रहे। हाँ, इसलिए वृंदावन में राधा जी की कृपा से ही अनुभूति होती है, इसलिए वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। तब महिषी ने कहा, भैया हम भी राधा जी की चेली बनने के लिए राजी है। बोले बताओ फिर हमें पता कैसे चलेगा। बोले ये जो रहस्य है केवल एक व्यक्ति को पता है। बोले किसको, बोले श्री उद्धव जी। कृष्ण ये उद्धव जी को ब्रज में भेजे थे, बोले तुम जाकर के ब्रजवासियों को सांत्वना दे करके आओ, ये उद्धव ने ही उनको सांत्वना दी थी। बोले उद्धव अभी कहाँ मिलेंगे, बोले अभी भी उद्धव श्री गिरिराज गोवर्धन में उद्धव कुंड के पास में घास बनकर भजन कर रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा लगाए उनको, कौन कौन लगाए, हाँ देखना, गोवर्धन परिक्रमा लगाते लगाते ठीक राधा कुंड से पहले ये उद्धव कुंड आता है। बल अभी भी उद्धव जी वहीं पर बैठ करके घास रूप में भजन कर रहे हैं। उनको जाकर के पूछो। सौ महिषियों ने श्री सांडिल ऋषि, बज्रनाभ, परिकृत महाराज, ये सब के सब कहाँ पर पहुंचे, बोले श्री गिरिराज तलहटी में श्री उद्धव कुंड के पास में पहुंचे और वहीं पर जाकर के बड़े सुंदर कीर्तन किया। अभी प्रभु जी आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे, जिस भजन की प्रभाव से उद्धव जी जो घास बनकर के भजन कर रहे थे वो स्वयं श्री उद्धव जी दर्शन देते हैं। प्रभु जी आपको भजन सुनाएंगे। वृंदावन विहार नाम की जय। जय जय श्री राम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाओ
कोटि जन्म की आपदा श्री राधा की गोपियों की जगत में गोपियों की जगत में जिनकी उल्टी रीत तिनके पग बंदन करो करे कृष्ण से सखिन के झुंड हर डगर गुहारत सागर जय 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 राधा कुंड की ब्रज चौरासी को तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे? सब लोग नहीं जाएंगे क्या? कोई हाथ उठा रहे कोई नहीं उठा रहे, पता नहीं बोले कहां ले जाएंगे हैं? तो वृंदावन सभी लोग चलेंगे। वृंदावन कैसे जाते हैं? नाचते कूदते भरे जाते हैं। अच्छा कौन कौन वृंदावन गए? बहुत कम लोग गए, यहां से तो बिल्कुल पास में है भाई वृंदावन। विदेश विदेश का लोग आ जाते हैं, लाख रुपया खर्चा करके विदेश का लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत कम गए हैं। तो देखिए जो लोग गए हैं वो देखे होंगे कि वृंदावन में कैसे परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी, नाचते कूदते भय और कीर्तन करते भय, सब लोग करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे भी 7 दिन में वृंदावन बनाना है। कैसे बनेगा? जब आप नाचेंगे कूदेंगे ताली बजाएंगे गाएंगे तभी ये वृंदावन बनेगा। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते भय चलेंगे वृंदावन। ओ मैं तो आई वृंदावन था किशोरी तेरे चरण Let's go!
We're gonna make it.
तुम्हें ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं, अभी तुम बताओ अभी कृष्ण हमें कैसे मिलेंगे। तो उद्धव जी ने कहा, देखो ठीक यही प्रश्न मैंने कृष्ण को भी किया था। जिस समय कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, हमने भी यही प्रश्न की, तब कृष्ण ने हमें एक अच्छी बात बताई। अब ध्यान देकर सुनाई, कृष्ण स्वयं ये बात मेरे को बता कर गए, बोले उद्धव जी मैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इसी संसार में आता हूँ, मैं हर समय इसी पृथ्वी में नहीं आता हूँ, ब्रह्मा का एक दिन में मैं एक बार आता हूँ। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, आप लोग हिसाब लगाओ भगवान कृष्ण कब आते हैं।
हर समय प्रभु राम हर त्रेता में नहीं आएंगे, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आएंगे। कब आते हैं? बोले ब्रह्मा का एक दिन में। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना? देखो हिसाब लगाओ कितना दिन है। कहते कलिजुग का जो परमायु है वो 4,32,000 साल, ये कली का परमायु। बोले द्वापर का परमायु, बोले उसका दोना कर, उसको दो गुना कर दो, बताओ कितना होगा? 8,64,000। अभी त्रेतया गुण, त्रेतया जू को कली का जो कली जू को तीन गुना कर दो, कितना होगा? ठीक है जितना हो। अभी सत्य जू को कली जू का 4 गुना कर दो, ये जितना होगा उसको एक साथ में मिलाओ, इसको कहते एक महाजू। ऐसे 71 महाजुग में, 71 महाजुग में एक मन्वंतर होता है। जब ऐसे 14 मन्व बीत जाए, जब ये 14 मन्वंतर को मिला दो, फिर ब्रह्मा का एक भी समझो तुम्हारे जो पेट का जो साई खत्म हो जाएगी सब करते हो। मतलब इतने दिन में कृष्ण इसी जगत में एक बार आएंगे, हर समय नहीं आएंगे। जब कृष्ण बोले देखो मैं तो तभी आऊंगा, अभी तो आऊंगा नहीं, लेकिन अगर मेरे को कोई पाना चाहते हैं मैं और एक उपाय बताता हूँ। बोले प्रभु बताओ। बोले हे उद्धव मैं तो एक स्वरूप में चला जाऊंगा लेकिन एक दूसरे स्वरूप में रहूंगा। बोले किस रूप में? बोले ये जो भागवत जो ग्रंथ है, बोले तेग अयर बांग मय मूर्ति, ये भागवत, ये भागवत नहीं, भगवान स्वयं सप्त ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान है। ये कृष्ण स्वयं बताए। जो व्यक्ति ये कलियुग में ये भागवत कथा सुनेगा, भागवत कथा सुनना और भगवान से मिलना कोई अलग नहीं, वो एक ही है। हम सबके सब कथा नहीं सुन रहे हैं, भगवान से मिल गए। ये कृष्ण स्वयं ये बात को बताएगा। इतने में उद्धव जी बोले मेरे को कृष्ण ये बात बोल कर गए। फिर तो महेश्वर ने कहा उद्धव जी फिर तो हमें तुम कथा सुना, हम लोग तो 7 दिन में कथा सुन करके समाप्त कर देंगे। लेकिन उन्होंने गिरिराज की तलहटी पर कुसुम सरोवर देखे होंगे, एक तरफ में कुसुम सरोवर दूसरे तरफ में उद्धव कुंड, वहीं पर उद्धव जी 1 महीना तक उन्होंने ये भागवत कथा सुना, पूरी 1 महीना। जब कथा विश्राम हो गई कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ से कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, प्रकट होकर के महिषियों को उन्होंने दर्शन दिया है। मतलब अगर जो व्यक्ति ये कथा सुनेगा ना, ये कथा जब विश्राम हो जाएगी कृष्ण स्वयं ये ग्रंथ से प्रकट होंगे। अब जो जो कथा सुन रहे हैं सभी के लिए एक एक रथ आएगा लेने के लिए वैकुंठ से। आप बताओ तो सचमुच सब रथ आ गया, कौन कौन वैकुंठ जाओगे? जाओगे? अगर सचमुच से ये रथ आ गया ना, देखो कि मैदान खाली हो जाएगा। बोलेगा अभी मेरा बेटा छोटा है, बेटी की शादी नहीं हुई, पति को रोटी कौन खिलाएगी, इसलिए कोई चिंता मत करो। देखो जब तक ये कथा सुनते सुनते आपको संसार से आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक ठाकुर जी आने वाले भी रथ नहीं आने वाले। अगर संपूर्ण संसार की तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो जाए, माया की बंधन दूर हो जाए तभी रथ आएगी, इसलिए कोई चिंता मत किया करो, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ स्वयं भगवान कृष्ण। तब श्री उद्धव जी ने बताया देखो मेरे जो गुरु जी बृहस्पति ने मेरे को एक सुंदर कथा सुनाई थी। बोले क्या सुनाई थी? बोले देखो भागवत कथा की महिमा सुनो। बोले जिस समय ये भगवान कृष्ण ये दुनिया को रचना की सृष्टि की, इन्होंने सबसे पहले 3 देवता को सृष्टि किया। पहला नंबर ब्रह्मा जी को। बोले ब्रह्मा जी तुम्हारा काम सृष्टि करना। ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं तो सृष्टि कर सकता हूँ लेकिन इस सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अगर तुम 7 दिन तक ये कथा सुनोगे, ये कथा की प्रभाव से तुम ये दुनिया को सृष्टि भी कर सकते हो और रजोगुण से मुक्ति पा सकते हो। शंकर जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये संसार को मैं संहार कर सकता हूँ लेकिन ये तमोगुण का काम, ये तमोगुण से कैसे मुक्ति मिलेगी? बोले आप स्वयं कथा सुनो और सुना। जब शंकर जी कथा सुनाते हैं माँ पार्वती बैठ करके कथा सुनती हैं और कितने दिन में शंकर जी पूरी करते हैं?
एक साल तक बड़ी सुंदर रूप में व्याख्या करते हुए कथा सुनाते हैं। अभी शंकर जी की कथा तो समाप्त हो जाए, फिर मैया पार्वती कथा सुनाती है। शंकर जी बैठ कर सुनते हैं, मैया पार्वती कथा को कितने दिन में विश्राम देती? बोले 2 साल। मतलब शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करते हैं, माँ पार्वती उसी से भी सुंदर व्याख्या करती है, इसलिए उनको 2 साल में ये कथा समाप्त होती है। इतने में श्री विष्णु जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये संसार को मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ? बोले आप कथा सुनो और सुना। जब नारायण कथा करते हैं, लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है और 1 महीना भी वो समाप्त करती है। जब माँ लक्ष्मी कथा सुनाती, नारायण स्वयं बैठ करके सुनते हैं और माँ लक्ष्मी 2 महीना तक कथा करती है। देखो ये कथा की महिमा को देखो। हम कल सुन रहे थे ना, ये शंकर जी अमर कैसे बने, माँ पार्वती अमर कैसे बनी, अमरनाथ में शंकर जी पार्वती को कथा सुना। इसी कथा की प्रभाव से शंकर जी अमरत्व को प्राप्त की, इसी कथा की प्रभाव से शंकर जी दुनिया को संहार करते हैं, इसी कथा की प्रभाव से ब्रह्मा दुनिया को सृष्टि करते हैं, इसी कथा की प्रभाव से विष्णु जगत को पालन करते हैं। मतलब ये दुनिया में जो कुछ हो रही ना, ये सब भागवत कथा के प्रभाव से ही ये दुनिया चल रहा है, इसलिए ये भागवत कथा के इतने महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत कथा जय जय श्री राधे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने 3 श्लोकों को द्वारा मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का मतलब होता है आप कोई भी काम करो, अगर भगवान की वंदना करते हुए स्तुति करते हुए कोई काम करो ना, वो काम बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो जाते हैं, इसको मंगलाचरण कहते हैं। भागवत का जो 3 श्लोकों को द्वारा उन्होंने मंगलाचरण की, पहला श्लोक है बोले भागवत का इष्ट कौन है, भागवत किसको प्रणाम करता है? बोले सत्य परम धीमहि, कहते वो परम सत्य को ही वो ध्यान करते हैं। बोले भैया वो परम सत्य कौन है? बोले भगवान कृष्ण है, ये भगवान ये कृष्ण ही ये परम सत्य है। बोले भैया क्या आपके लिए कृष्ण ही परम सत्य? बोले नहीं, बोले उसको साथ में श्री राधा रानी। यहाँ शिक्षा देते हैं अकेला कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहते ना राधे राधे रत चले आएंगे आएंगे बिहारी। इसलिए शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए जुगल की पूजा करनी चाहिए, राधा कृष्ण दोनों को ही पूजा करनी चाहिए। ये पहला श्लोक में प्रणाम श्री जुगल सरकार को प्रणाम करते हैं। कहते मंगलाचरण की जो दूसरा श्लोक है, कहते ये ध्यान है, कहते ये प्रतिज्ञा है। देखो ये भागवत कथा की कितनी महिमा, जैसे ये साई वाटिका में कथा हो रही है, आप लोग कथा में नहीं आए, अभी घर में बैठे हो, लेकिन आपको पता चला ये साई वाटिका में कथा होने जा रही है। अगर किसी ने इतना मात्र कोई इच्छा कर ले मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, केवल इतना इच्छा मात्र से ही भगवान आकर के उसका हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे उसका हृदय में कैदी हो जाती हैं, ठाकुर जी को उसका हृदय से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से, जैसे भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति केवल इतना बोल दे भैया भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है, ये कथा होनी चाहिए, अगर इतना कोई बात बोल देना, क्या तो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, उसी समय में ही सारे पाप से मुक्त होकर के वो सीधा भगवान के पास में चला जाता है, इतना अगर कोई बोल दे तो। इसलिए ये भागवत प्रतिज्ञा करता है केवल सुनने का इच्छा से ही ठाकुर प्रेम में बसीभूत हो जाते हैं। अगर कोई सचमुच से कोई कथा में आकर के बैठ गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो इतने पुण्यात्मा
उनकी महिमा को तो हम बता ही नहीं सकते हैं। जो तीसरा मंगलाचरण का श्लोक है, कहते ये भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है, कहते हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम श्री कल्प वृक्षों को नीचे बैठे हुए हैं, ये भागवत नहीं, ये क्या है, ये क्या है, कहते ये कल्प वृक्ष है भागवत। कल्प वृक्ष का मतलब होता है आप जो कुछ कथा सुनते हुए ठाकुर जी से मांगोगे, ठाकुर तुम्हारी वही इच्छाओं को पूरी कर देंगे। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, एक अच्छी बात को सुनो, ये भागवत तो हमारी सब इच्छाओं को पूरी कर देंगे जो कुछ मांगोगे, लेकिन अभी पता चलनी चाहिए भागवत से हम क्या मांगे। भागवत तो सब इच्छा पूरी करेगी, लेकिन मांगनी क्या चाहिए भागवत को, बोले भैया छोटे मोटे चीज भागवत से मत मांगा करो। उदाहरण दिया, कोई एक व्यक्ति धन कुबेर को उन्होंने उपासना की, तो सारे धन का मालिक है। अभी धन कुबेर प्रसन्न हो गया, बोले बेटा भर मांगो क्या चाहते हो, लेकिन वो बेचारा बड़ा गरीब था, ब्राह्मण था, बोले अगर आप मेरे ऊपर में प्रसन्न हो, मेरे घर में एक गैया है, ये गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसी दे दो। कुबेर ने कहा देखो कितना बेवकूफ है, हाँ कितना बेकूफ है, मैं इतने धन दौलत दे सकता हूँ, तू भी सुखी रहो, तेरे पिताजी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे का बच्चे भी खाए तभी ये खत्म नहीं होगा, लेकिन तू क्या मांग रहे हो, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूस, हाँ कितना बेकूफ है। हाँ इसका मतलब है अगर ये भागवत कथा कल्प विकृत है, लेकिन अगर ये संसार की वस्तु मांग लो, हमें ये संसार की कोई वस्तु दे दो, दुनियादारी रुपया पैसा दुकान मकान दे दो, भागवत उसी समय तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी, लेकिन इच्छा पूरी करके तुमको खत्म कर, फिर तुमको चल जाएगा। लेकिन ऐसे एक चीज मांगनी चाहिए भागवत से जो इसी जीवन में खुशी रहे, फिर तो जन्म जन्मांतर के हम सुखी सुखी हो जाए। कहते वो क्या है, बोले भगवान की भक्ति, भगवान की बताओ, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा मांगो, जिसमें इसी जीवन में भी सुखी रहोगे और उसको बाद में तो ठाकुर अपना चरण में तुम्हें स्थान दे देंगे। देखो एक समय कोई एक अंधा था, वो अंधा ने शंकर जी की पूजा की, अभी शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वर मांगो, बोले शंकर जी मेरे को तीन वर चाहिए, कितना वर चाहिए, तीन वर चाहिए, बोले क्या क्या बताओ, पहला नंबर में अंधा हूँ मेरे को आँख चाहिए, दूसरे नंबर में कुछ रुपया पैसा चाहिए, और तीसरे नंबर में किसी सुंदरी लड़की से मेरी शादी हो जाए, मैं तो ये तीन चीज को सोच करके आया हूँ आपसे मांगने के लिए। शंकर जी ने कहा देखो मैं तुमको तीन बार नहीं केवल तुम्हें को एक बार दे सकता हूँ, जो कुछ मांगो एक बार का द्वारा मांगना पड़ेगा। लेकिन वो अंधा बड़ा चतुर था, बोले ठीक है कोई बात नहीं, देखो क्या मांगता है, वह मैं बोला मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी को ऊपर में बैठते हुए सोने के कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखूं। बताओ राजमहल के ऊपर में हाथी के ऊपर कौन बैठता है, कौन बैठता है, राजा बैठते हैं, है राजा बैठते हैं, सोने के कटोरी में कौन खाएगा, राजा खाएगा। बोले अपना बेटे को देखो, बेटा कब होगा, जब शादी हो जाए, देखेगा कब, जब उसका आदमी। शंकर जी ने देखा भैया और एक बार में लपटे करके सब कुछ उसने मान लिया। उसी तरह भगवान को हमें ऐसे एक चीज मांगो जो इसी जीवन में भी सुखी रहे और अगले जीवन में सुखी सुखी रहे। कहते वो केवल भगवान की भक्ति है, ठाकुर जी की प्रेम है। इसलिए भगवान राम जब श्री हनुमत लाल को बोले हनुमान जी बर मांगो, हनुमान जी क्या मांगते हैं, हनुमान जी ठाकुर जी क्या मांगे, बोले बार बार बर मांगो हर श्री देवो श्री रंग पता सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हे प्रभु आपके चरण में हमें बारंबार एक ही चीज प्रार्थना करते हैं, हमें संतों का संगत हो
और आपके चरण में भक्ति दो। कौन सा भक्ति? अनुपायनी, मतलब निष्काम भक्ति प्रदान। बस भगवान राम संतुष्ट हो गए, हनुमान के सर पर हाथ रख दिए। हनुमान जी कौन? ये स्वयं शंकर जी। अब रामायण देखे होंगे, जब भगवान श्री हनुमान को सर पर हाथ रखना, उसी समय कैलाश में शंकर जी को दिखाया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बोले पार्वती आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, देखो भगवान राम कैसे मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं, मेरे घर में प्रसन्न हो गए राम, मेरे को भक्ति प्रदान की। इसलिए भागवत से क्या मांगना चाहेंगे? भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम और ठाकुर जी की सेवा ही मांगनी चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृताम की जय। घर में आनंद लिया हुआ जोर से जय कर लिया। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृताम की जय। बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। अभी ये घोर कलियुग आया है। कलियुग का मतलब क्या है? तो कली मतलब होता है कलह, मतलब लड़ झगड़ा। जहाँ पर भाई भाई में झगड़ा, बहू बहू में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, ऑफिस में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, इसलिए इसको नाम कलियुग कहते हैं। इसलिए ये घोर कलियुग को देख करके तब श्री सोनकाद ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले पितामह ब्रह्मा जी ये बताओ, ये कलियुग से हम बचेंगे कैसे? ब्रह्मा जी अपना मन से एक चक्र को प्रकट करके उन्होंने चक्र को फेंका। वो चक्र जाकर के गिरा नैमिषारण्य में, जाकर के गिरा। वहीं पर बड़े दिनों से सोनकाद ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन भजन में कोई उत्साह आनंद नहीं आ रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी वहां पर आए। अभी सुतो गोस्वामी को देख करके सोनकाद ऋषि लोग प्रसन्न हो गए। आज हमारे अहोभाग्य है, आज संतों का हमें दर्शन मिला है। अगर जीवन में अगर संतों का दर्शन हो जाए, शास्त्र कहता है समझो तुम्हारी संसार का सारे दुख कष्ट खत्म। अभी तुमको संसार में और भटकना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी जो मैं अपना चरण में बुला रहे हैं और संसार तुम्हारे बंधन नष्ट हो गए, ये समझो। तब सोनकाद ऋषि ने श्री सुतो गोस्वामी को आसन दे करके बैठाए। बोले हे श्री सुतो गोस्वामी, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मीन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपद्रुता। बोले हे श्री सुतो गोस्वामी, जो कलयुग है प्राय करके लोग का जो उम्र बहुत कम है। सत्ययुग में कितना साल जिंदा रहते थे? बोले 1,00,000 साल। आप सुना होंगे हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। बोले त्रेता युग में 10,000 साल जिंदा रहते थे, द्वापर युग में 1,000 साल जिंदा रहते थे, और कलि युग में 1,000 से 1 शून्य हटा दो, बताओ कितना होगा? 1,000 से 1 शून्य हटा दो कितना होगा? 100। कलि युग में 100 साल में आ गए। अभी तो 100 साल में कोई जिंदा नहीं रहते, लेकिन जब ये घोर कलियुग आएगा ना, आप 100 से और 1 शून्य हटा दो कितना होगा? 100 से और 1 शून्य हटा दो कितना होगा? बोलो 10। जब घोर कलियुग आएगा ना, लोग 10 साल में हो जाएंगे। जब फिर ज्यादा घोर कलियुग आएगा, 10 से 1 शून्य हटा दो कितना रह जाएगा? 1 साल। ये भविष्य पुराण में वर्णन आया है, क्योंकि पहले लोग जो खाना खाते थे ना, हर चीज प्योर होता था, लेकिन हर चीज अभी हाइब्रिड देकर बनता है। हर चीज में मिलावटी, हर चीज में मिलावटी, इसलिए तरह तरह का बीमारी आ रही है, तरह तरह का बीमारी। इसलिए और ये कलयुग में बोले मंदा सुमंदा मतयो, कलयुग में जीव का जो मन है ना, ये स्वाभाविक रूप में देखना, ये मन गद्दी चीज में जाता है। अरे भजन के लिए बैठा हो तो बहुत समझा बुझा करके मन को
भक्ति में लगाना पड़ता है। गंदी चीज में कलयुग में देखना, मन स्वाभाविक रूप में गंदी चीज में जाएगा, दूसरे चीज में अपहरण, दूसरे स्त्रियों के ऊपर में, दूसरे लड़की के ऊपर में, दूसरे पुरुष के ऊपर में, ये मन अपने आप उस तरफ में जाएगा। इसलिए बोले मंदा सुमंद मत हो। खैर कलयुग में पहले लोग क्या करते थे बता, जितने बड़े बूढ़ों को देखो, पहले सवेरे नहा धो करके ठाकुर की आरती, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना। लेकिन अभी ये टीवी आ गई, इंटरनेट स्मार्टफोन आ गया है, हैं? इस स्मार्टफोन आ करके तो हैं, ये तो एकदम बच्चों का जिंदगी पूरा बर्बाद करते हैं। दिन भर बच्चे फोन लेकर के दिन भर उसमें गेम खेलते रहेंगे, उल्टा पुल्टा व्हाट्सएप में उल्टा पुल्टा का। पहले रहकर समय में गीता भागवत पढ़ते थे, अभी टीवी खोलो तो सास बहू की लड़ाई देखो, हैं कैसे लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए भले कलयुग में भले झुपद्रुता, भले झुपद्रुता का मतलब क्या है, अगर पत्नी अगर सत्संग में जाती है, हैं अगर थोड़ी सी कहीं सत्संग में जाकर थोड़ा माला जपना शुरू कर दे, भक्ति करना शुरू कर दे, पति बोलेगा भैया किसकी बाबा को चक्कर में तू पड़ गई, ये सब तिलक करके तुमने क्या सब लगा दिया। अगर पति अगर थोड़ा सत्संग में आ करके थोड़ी टट्टी तिलक लगा ले, पत्नी बोलेगा कोई काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो, कौन सा बाबा की। अगर बच्चा अगर सत्संग में आ गया, अगर थोड़ी सी कथा सुनकर कट्टी माला तिलक लगा दे, बोले ये कोई तेरे उम्र है, ये अभी से क्या सब हरी हरी कृष्ण कृष्ण अभी से जो माला कट्टी तिलक अभी से क्या कर रहे हो। लेकिन बच्चा अगर शराब पी रहा है ना, शराब पी रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, हैं और उल्टा पुल्टा काम करता है ना, बोले ये वेरी गुड, ये बच्चा तो बड़ा एडवांस हो रहा है क्यों, सिगरेट फूंक रहा है, दारू पी रहा है। लेकिन बच्चा अगर थोड़ी सी भगवान की भजन करने में लग जाए, भक्ति करने में लग जाए, सारे तुम्हारी पीछे तुम्हारी पड़ जाएंगे। इसलिए जो कलयुग है भले झुपत दुर्गा, कलयुग में भजन करना बड़ा कठिन। कलयुग में एक बार हाथ उठा कर बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तब श्री सौनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न किया है, और जो छह प्रश्न का जो उत्तर ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए आज मैं आपको ये छह प्रश्न आज मैं आपको बताऊंगा, फिर कल आपसे मैं सुनूंगा ये छह प्रश्न किया है, ठीक है? मन लगा कर सुना हरे कृष्णा, कल मैं सुनूंगा ये छह प्रश्न किया, क्योंकि ये जो पूरा ये छह प्रश्न का उत्तर ये पूरी भागवत है। अगर ये छह प्रश्न को समझोगे ना, फिर पूरी भागवत समझ पाओगे। इसका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले, याद रहेगा? बताओ क्या पहला प्रश्न क्या है। देखो हम संसार में जो कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, शांति और सुख के लिए जो कुछ करते हैं। लेकिन घर में भले ही हम अरब खराब करते, लेकिन घर में शांति सुख नहीं, और पैसा की कोई महत्व है तुम्हारे, बताओ कोई महत्व है पैसा की तुम्हारे, नहीं। घर में हमारी हरा भरा है, बड़े मकान बड़े दुकान सब कुछ बढ़िया है, लेकिन घर में शांति सुख नहीं, वो घर मकान की कोई महत्व है तुम्हारे, कोई महत्व है नहीं। अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए जगत में जो अनमोल वस्तु है क्या है, शांति और सुख है। इसलिए इनका यही पहला प्रश्न है आत्मा को शांति, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया के प्रश्न है। अभी इसका उत्तर हम सुनेंगे, हमको शांति कैसे मिलेगी। जो दूसरी प्रश्न है वो एक प्रश्न से दूसरी प्रश्न जुड़ी हुई है, भले कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। क्योंकि जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पाता,
भगवान से विमुख होकर के अभी किसी को जीवन में शांति नहीं मिली, लेकिन हमारी मन में एक धारणा बैठी है अगर ज्यादा पैसा मिलेगा ना संसार में सुखी हो जाएंगे। आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो? कौन रावण का नाम जानते हो? कौन कौन रावण का नाम सुने हो? सब जानते हो। बताओ उसका लंका जो किस चीज में बनी हुई थी? लंका सोने की। हमारे पास में कितना सोना होगा? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकती ना। लेकिन रावण का लंका ही सोना, पूरा लंका सोने से बनी हुई, उसका डाइनिंग रूम सोना, उसका किचन रूम सोना, उसका बाथरूम सोना, उसकी डाइनिंग रूम सोना, सब सोना ही सोना है। इतने वैभव उसको पास में था, लेकिन मन में सुख शांति नहीं था उसके मन में। फिर हम सोचते हैं किसी अच्छी किसी छोरी से लड़की से शादी हो जाए ना, शायद हम सुखी हो जाएंगे। आपको पता है रावण पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। आपको पता है मंदोदरी मतलब क्या होता है? पता है मंदोदरी का मतलब क्या? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत पतली थी। वो विश्वकर्मा की बेटी थी, साधारण व्यक्ति का बेटी नहीं। वो विश्वकर्मा ने जितने सुंदर सुंदर चीज देकर के अपना बेटी को बनाए थे उस समय में, मिस वर्ल्ड कितना विश्व सुंदरी, उसको क्या कहते हैं? मिस यूनिवर्सिटी। वो विश्व सुंदरी थी उसी समय में, हैं? इतनी सुंदरी थी, जहां जहां उसको सुंदरी सुंदरी लड़की मिली, गंधर्व लोग से सबके सब लड़की को उठा उठा कर को लेकर के शादी किया था। इतनी सुंदरी लड़की थी। हम सोचते हैं अगर कोई आज्ञाकारी बेटा हो जाएगा सुखी हो जाएंगे। वो बेटा का नाम क्या था? मेघनाथ, इंद्रजीत। रामायण देखे ना, पिता के लिए अपना बलिदान दे दिया, पिता के लिए उसने अपना शरीर ही छोड़ा है, इतने आज्ञाकारी बेटा। इसलिए हनुमान जी को जब श्री इंद्रजीत ने बांध करके ले गया रावण को पास में, हनुमान जी ने देखा, हे भगवान, उसको पिताजी को देखा घर में झाड़ू लगा। हनुमान जी के पिताजी का नाम तो क्या था पता है? हनुमान जी का पिताजी का नाम क्या था और क्या नाम था? हनुमान जी का पिताजी का नाम पवन देव, केसरी नंदन है ना। वो भाई का बेटा है, देखा उसको घर में वो झाड़ू लगा रहा था उसको पिताजी। अग्नि को देखा उसको घर में कपड़ा साफ कर रहा था। और जिस शनि मंगल बुध को पूजा करते हैं ना, देखा रावण जी सबको अपना घर में बांध कर रखा, सबको बांध कर रखा। और काल को देखा उसको प्यार को नीचे काल को दबा करके बैठा हुआ, मतलब इतना बड़ा पराक्रमी कौन ये रावण। लेकिन शांति में नहीं था, बेचैन से रह रहा था। लेकिन रावण लंका में केवल एक व्यक्ति के बदले सुखी में जी रहा था, बताओ तो कौन था? कौन था? बाबा रे, बड़े बड़े पंडित यहाँ पर बैठे हैं, अच्छी बात है। केवल विभीषण की वहां पर केवल चैन से ना, वो विभीषण केवल जी रहा था। इसलिए हनुमान जी ने पूरा लंका जला दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर नहीं जलाया। किसका नहीं जलाया? केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। हनुमान शिक्षा देते हैं, जो राम का भजन करेगा ना, केवल उसी की घर को मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो सबको जला करके मैं राग बना दूंगा। इसलिए यहाँ पर दूसरी प्रश्न है, कहते हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, मतलब है हरि से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी चैन नहीं मिला। हम कितने सुंदर लड़की को शादी कर लेंगे, कितने बच्चे जन्म दे देंगे, 1,25,000 जिसका नाती, और कितने सुंदर मकान दुकान बनाएंगे, समझ रहे हो? इसलिए दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या? मतलब है तब भी जीवन में सुखी हो सकते हो जब भगवान को प्राप्त करोगे, नहीं तो इसके बगैर सुखी हो ही नहीं सकते। फिर तीसरा प्रश्न किया, बोले भगवान कृष्ण की हमें कथा सुनाओ। लेकिन कृष्ण एक होने पर भी भगवान के 3 धाम हैं, एक द्वारका धाम, एक मथुरा धाम और एक वृंदावन धाम। हमें ये तीनों कृष्ण की कथा हमें सुनाओ। इनकी जो चौथा प्रश्न है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अद्भुतानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इनका जो चौथा प्रश्न है, मतलब केवल कृष्ण कथा नहीं, कितना हरि अनंत हरि कथा अनंत है, इनकी अनंत अवतार है। भगवान राम रूप में कैसे रावण को मारे, नरसिंह अवतार में कैसे हिरण्यकश्यप को वध किया, मत्स्य अवतार में कैसे भेद उधार किया, कुर्मा अवतार में कैसे पृथ्वी को धारण किया है, इसलिए भगवान ने हमें सारे अवतारों का कथा सुना। कितना प्रश्न हो गया, आप लोग गिन गए कि नहीं, कितना प्रश्न हो गया? देखो देखो, एक माह ही कथा सुनी है, चार ही, चार ही प्रश्न हुआ है। इसलिए जो पंचमा प्रश्न है, हम भगवान की अद्भुत जस कथा सुना है, कैसे कृष्ण गिरिराज को कैसे उठाया, कृष्ण कैसे है, कृष्ण कैसे अघासुर बकासुर को कैसे मारे, कृष्ण कैसे कालियों को सर पर नृत्य की, हमें भगवान कृष्ण की जो अद्भुत जस की कथा सुना। और जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़कर चले गए, अभी कलियुग में धर्म कहाँ पर आश्रित, कहाँ पर कलियुग आश्रय, भागवत अभी कहाँ पर आश्रय लिया है कलयुग में धर्म, ये छह प्रश्न की। अभी ये छह प्रश्न को सुन करके श्री सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के इनकी प्रश्न की उत्तर देते हैं। लेकिन उत्तर देने से पहले बोले, पहले मैं अपना गुरु जी की चरण की पूजा कर लेता हूँ, उसको बाद में फिर उत्तर दूंगा। कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाभ पाऊँ, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। अगर भगवान कृष्ण अगर गुरु जी खड़े हुए तो सबसे पहले इसकी चरण में प्रणाम करनी चाहिए, बोले गुरु जी की चरण में प्रणाम करनी चाहिए। बोले क्यों, ठाकुर जी को हमें दिखाने वाले कौन है, ये गुरु जी है। इसलिए कृष्णा भागवत में कहते हैं प्रथमंत गुरु पूज्य, अगर हम दोनों खड़े ना कृष्णा और गुरु, पहले गुरु को प्रणाम करो, कृष्ण कहते फिर मेरे को प्रणाम करो। जो व्यक्ति गुरु जी को प्रणाम किए बगैर डायरेक्ट जो मेरे को प्रणाम करते हैं कृष्ण कहते, उसका पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु गुरु भवनी भी तरई न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जी के बराबर कोई हो जाए, अगर कोई सदगुरु का चरण आश्रय नहीं करे वो संसार से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, फिर ठाकुर को, फिर इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले बंदो गुरु पाद पादो मां पराना, बंदो गुरु पाद पादो मां पराना, आ बंदो गुरु पाद पादो I'm not afraid of the dark.
पर धर्म जत भक्ति अधक्षजे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। ये पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था? अरे बोलो पहला प्रश्न। पीछे से भी लगता है पीछे कोई कथा नहीं सुन रहे, पीछे से केवल सामने से आवाज आ, पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ, पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर उन्होंने एक श्लोक में दिया है। वो कह रहे हैं जो जीव है, हम जीव कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान की संतान है। इसलिए कहते ना तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम। भगवान हमारे पिता माता है। जितने सारे दुख का कारण है हमने भगवान को भूल गए, इसलिए इसी संसार में आकर के ये 84 लाख जन्म हम भटक गए हैं। 84 लाख जन्म में हम दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। बोले भैया शांति कैसे मिलेगी? अगर हमें पता चले हम भगवान की संतान हैं, उनके बच्चे हैं, हैं? एक उदाहरण देकर समझाए, देखो ध्यान देकर सुना, एक सुंदर कथा सुना। बोले एक समय कोई एक राजा था, उसका एक बेटा था। अभी बेटा ने कुछ गलती की तो पिताजी ने बड़े जोर से डांट लगा दी। अभी जो राजकुमार है बोले पिताजी मेरे को ऐसे डांट लगा है, मैं और घर ही नहीं रहूं। वो राजकुमार अपना राजमहल छोड़ करके बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो क्या करेगा? अभी जा करके अपना पेट को पालने के लिए किसी चाय दुकान में वो प्लेट को धो रहा है और प्लेट को साफ कर रहा है, खाने के बाद टेबल को साफ करता है। अभी राजा तो बड़ा दुखी, क्योंकि भविष्य में वही राजा बनने वाला था। राजा बाद में बड़े दुखी हुआ, बच्चे को मैंने क्यों डांट लगा। अभी बच्चा भी अभिमान, पिताजी मेरे को डांट लगा। लेकिन कुछ दिन बाद में जो बेटे को ये महसूस हुआ मैंने गलती की, पिताजी अच्छे के लिए डांट लगाए। फिर वो सोच रहा है अगर मैं घर में आऊँगा पिता मेरे को रखेंगे कि नहीं, ऐसे ही घर से निकाल कर नहीं देंगे, मेरे को स्वीकार करेंगे कि नहीं। वो चाय की दुकान में काम करता है, प्लेट धोता है, जगह साफ कर रहा है। अभी उसका जो मंत्री था देखा राजा बड़ा दुखी है, क्योंकि मेरे एक बेटा था वो कहाँ चला गया। एक दिन वो मंत्री ढूंढते 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 देखा उसको, वो चाय की दुकान में ना प्लेट साफ कर रहा है और खाने का प्लेट को जगह को पोछा लगा रहा है, घर में पोछा लगाने का काम कर रहा है, किसी तरह से पेट को पाल रहा है। ये मंत्री जा करके उसने उसका दोस्त बन गया, उसको बताया कि मैं मंत्री हूँ, उसका दोस्त बन गया। जब किसका दोस्त बन जाता है ना, आप देखना दिल का बात दोस्त को बता देता है। एक दिन वो मंत्री ने पूछा बेटा ये बताओ तू है कौन, तेरे घर कहाँ पर है और तू यहाँ पर चाय की दुकान में बर्तन क्यों मल रहा है। वो दोस्त बन गया ना, इसने मैं अपना दीन का बात बता दिया। बोले बेटा देखो मैंने ये देश का राजा का मैं बेटा था, एक दिन मैंने कुछ गलती किया तो पिताजी ने मेरे को जोर से डांट लगा और मैंने गुस्सा करके अपना घर छोड़ दिया। बड़ा दिन हो गया है, अभी मैं सोच रहा हूँ अगर मैं वापस जाऊँगा पिताजी मेरे को स्वीकार करेंगे, इसी शर्म को मारे मैं अभी घर में नहीं जा रहा हूँ। तब मंत्री ने अपना परिचय दिया। बोले बेटा राजा का मैं मंत्री हूँ, राजा तेरे लिए बड़ा चिंता कर रहा है, भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, हैं? जो कुछ हो तुम्हारे पिता है ना वो चाहता है मेरे बेटा घर में वापस आ जाए और राजा बनकर के राज्य को संभाले, वो चाहते हैं, क्या तुम घर में जाओगे? बोले हाँ मैं जाना चाहता हूँ अपना घर में, मैं कहाँ छापान भोग खाने वाले, कहाँ राज सिंहासन में बैठने वाला, राज दरबार में रहने वाला, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चाय की दुकान में बर्तन मल रहा हूँ, प्लेट साफ कर रहा हूँ। बोले तुम चलोगे? बोले हाँ चलूँगा। अरे मंत्री ने अरे वो बेटे को लेकर राजा को पास में जाते हैं और राजा अपना बेटे को पाकर बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया उसको पिताजी, और उसको राज सिंहासन में उसको अभिषेक कर दिया। देखो ये जो कथा है, हम लोग कौन है? ये वेद कहता है
हम अमृतस्य पुत्र, ये वेद का मंत्र है, हम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र है, हम साधारण घर के बच्चे नहीं। हमारा जो पिता है ना, वो भगवान कृष्ण राम हमारे पिता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जगत में जितने जीव है वो मेरे बच्चे हैं, हम सब भगवान के औलाद हैं। लेकिन भगवान हमें थोड़ा डांट लगाया, बोले क्यों, हमने गलती किया। बोले क्या गलती की, ठाकुर जी की सेवा को हमने छोड़ा। इसलिए भगवान बोले, जब तुम मेरा बात ही नहीं मानोगे, फिर भैया फिर मेरे संपत्ति में तेरी कोई हिस्सा नहीं। इसलिए उन्होंने डांट लगा दी। और हमने किया कि हमने डांट खा करके पिताजी को छोड़ दिए, और इस संसार में आ करके कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई धंधा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई फ्रेंड से दुखी, दुखी 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 होकर संसार भटक गए। संसार में दुखी दुखी सबके सब, क्योंकि दुनिया कृष्ण बनाए। भगवान खुद कहते हैं, दुखालयम, ये संसार दुख का एक घर है। हम सुख भोगने नहीं आए, हम अपना असली पिता को भूलने का नाते पिताजी हमें भगा दिया है, और ये कारागार, ये दुर्गा की ये दुर्ग है, ये जेल खाना में हम आए हैं, यहाँ दंड भोगने के लिए आए हैं। लेकिन भैया ये मंत्री कौन है, बोले ये मंत्री सदगुरु है। लेकिन हम तो भगवान से भूल करके आ गए, लेकिन पिताजी हमारे लिए बड़ा दुखी है। बच्चे सुखी हो ना, देखना पिता भी सुखी रहते, पिता माता सुखी रहते हैं। अगर इसका बच्चे दुखी, पिता माता सुखी रह सकते हैं, और सुखी हो ही नहीं सकते हैं। बच्चे का सुख देख करके पिता माता सुखी होते हैं, भगवान भी दुखी हमारे लिए। ये बच्चा एक बार मेरे तरफ में देखे, एक बार मेरी भजन करे, भक्ति करे, मेरे से माफी मांग ले, फिर तो मैं अपना गोलोक वृंदावन पहुंचा दूंगा, उसको ना अपना धाम में ले आऊंगा। लेकिन ये मंत्री कौन है, ये मंत्री सदगुरु है। भगवान जगत में सदगुरु को भेजते हैं, बोले भैया जाओ मेरे बच्चे को समझाओ, उसका पिता मैं हूँ, हैं तुम्हें वो माता चल, पिता तो नहीं हुआ, हम उसको पिता हूँ, लेकिन मेरे को भूलने के नाते संसार में दुख उठा रहे हैं, उसको समझाओ, वो मेरी शरण में आ जाए। शरण में आ जाएगा तो आनंद ही आनंद है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन जत बच्चा नंद वर्तनते तत् धाम परम मम। हे अर्जुन, जीव जब मेरे शरण में आ जाए, फिर मेरे धाम में आ जाते हैं, जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं है, आनंद आनंद ही वहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, आत्मा को शांति कब मिलेगी, तब भी आत्मा को शांति मिलेगी जब ये जीव परमात्मा के शरण में चले जाए। ठाकुर की, हनुमान जी की जैसे प्रभु राम की शरण में हनुमान आ गए, देखो आनंद ही आनंद है। मीरा ने कृष्ण भक्ति में लग गई, आनंद ही आनंद है। तुलसीदास ने, सूरदास ने प्रभु का शरण में आ गए, आनंद ही आनंद है। इसलिए शांति कब मिलेगी, जब हम ठाकुर की शरण में जाएंगे तब भी हमें शांति मिलेगी। लेकिन दूसरी जो प्रश्न थी बताओ तो, दूसरा प्रश्न क्या था, कौन बोलेगा, हाथ उठाओ। हाँ, कलयुग में देखो केवल कथा नहीं सुनना, मैंने बताया था ना, कुछ याद करके घर में ले जाओ। देखो एक समय, ध्यान देकर सुनो, एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने के लिए गया। देखा वहाँ पर तीन मूर्ति है, बोले भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले पहला नंबर मूर्ति का कीमत 100 रुपया, बोले दूसरे नंबर की बोले 500 रुपया, बोले तीसरा नंबर की बोले 5000। बोले तीनों मूर्ति को देखने में बराबर है, कितना फर्क क्यों, बोले 3 गिलास दूध लेकर के आप, अभी इसका फर्क दिखाता। पहला नंबर मूर्ति का कीमत था 100 रुपया, उसको कानों में जो दूध डाला ना, वो जिधर डाला उधर निकल कर आ गया। बोले ये तो सुनता है, लेकिन जिधर सुनता है उधर निकल देता, इसलिए इसका कीमत 100 रुपया। दूसरे मूर्ति के कान में दूध डाला, इधर डाला तो सीधा इधर निकल करके आ गया। बोले इसका कीमत 500 रुपया, सुनता तो है लेकिन इधर सुन करके इधर निकाल देता है। लेकिन एक आध बूंद अंदर में चली जाती है। अब तीसरी मूर्ति को कान में दूध डाला ना, एक बूंद भी निकला नहीं, सब के सब अंदर में चला गया।
बोले इसका कीमत है 500 रुपया। मतलब ये सुनता तो है लेकिन पूरा पूरा अंदर पे ले जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों को 500 रुपया की मूर्ति की कीमत हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जो सुने उसको याद रखे और घर में जाकर के बच्चों को समझाओ, पतियों को समझाओ, बहुओं को समझाओ, जैसे पूरा परिवार, जिस परिवार में भगवान की भक्ति कीर्तन हो, कोई सिगरेट नहीं पिए, गंजा नहीं पिए, शराब नहीं पिए, मांस मछली नहीं खाए, जिस घर में ठाकुर जी की भक्ति हो, क्या वो घर नहीं वही गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन और कहीं नहीं है, अपना घर को ही वृंदावन बनाओ। जिस घर में प्रभु का भजन कीर्तन है उसी घर ही तो वृंदावन है, ठीक है ना। आपका घर को वृंदावन बनानी है, ठीक है, अपना घर को वृंदावन बनानी। इसलिए जो दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, क्योंकि जब तक ये जीव प्रभु को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये दूसरी प्रश्न है, इसका उत्तर क्या देते हैं, बोले कहता था निर्विद्यमान इच्छता अकूत भयम जोगी नाम नृप निर्मित हरि नामान कीर्तन। बोले जितने वेद, जितने पुराण, जितने उपनिषद, जितने बड़े बड़े ऋषि मुक्त महापुरुष हो गए, वो सब के सब एक ही बात करते हैं, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय रखा। जानते हैं कलयुग का जीव इतना कठोर साधन नहीं कर सकता है। सत्ययुग में था तपस्या है, बिना खाए पिए 10-10 हजार 60-60 हजार तपस्या करते थे। वाल्मीकि तो इतने भजन किया दीमक पूरा मांस चाट लिया, तब भी हड्डी को अंदर से राम 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 आ रहा। लेकिन कलयुग में अगर एक दिन कोई व्रत रखता है ना, एक दिन कोई व्रत करे, उसको बोलो कोई काम करने के लिए, बोले आज हमने व्रत रखा है। मतलब एक दिन भी व्रत रख करके, उपवास रह करके एक दिन भी है, एक दिन भी व्रत रखना कठिन है। इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में ये जीव तपस्या नहीं कर सकता है, इसलिए तपस्या को छोड़ दिया कलयुग में। द्वापर त्रेता युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए घी लाओ, लकड़ी लाओ, साबन सामग्री लाओ, हैं पंचामृत लाओ लाओ, 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा, बोले इतना पैसा कहाँ से लाए हैं। इसलिए देखा कलयुग में ये भी असंभव है। फिर कलयुग में प्योर चीज भी नहीं मिलती है, घी भी मिलावट है, चर्बी मिला हुआ, हवन सामग्री में चर्बी मिला हुआ, और श्री जो ब्राह्मण को बुला वो भी कोई सिगरेट कहीं तंबाकू खाता होगा, इसका मुंह से मंत्र ही शुद्ध नहीं। इसलिए उन्होंने देखा कलयुग में यज्ञ भी असंभव। द्वापर युग में था अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए धूप दीप नैवेद्य चंदन अगुर कर्पूर पंचामृत लाओ, हैं भैया रोज इतना कहाँ से पैसा खर्चा करेंगे। इसलिए भगवान ने देखा ऐसे कलयुग में एक साधन रख दो जो बिना परिश्रम बिना पैसा से आसानी से हो जाए। इसलिए ठाकुर जी बहुत सोच सोच करके कलयुग का धर्म क्या रखा, बोले कलयुग के बल का आधार, कलयुग के बल का आधार, कलयुग के कलयुग के Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
कीर्तन की जय। हरे कृष्ण। देखो कलयुग में भगवान क्यों कलयुग में हरि नाम रखे, इसका क्या रहस्य है? कलयुग में ये हरि नाम क्यों रखे? अभी हमारे से राज प्रभु जी इसी विषय पर हरि नाम के ऊपर कुछ बताएंगे हैं, क्योंकि भागवत का जो सार है ना, भागवत जी का नाम है। जब भागवत की शुरुआत हुई तब सुखदेव गोस्वामी प्रभु का नाम से शुरुआत हुई, लेकिन भागवत को जो विश्राम दिया प्रभु का नाम से ही विश्राम देते हैं। मतलब ये भागवत का जो सार है ना, क्या है ठाकुर जी का भागवत का सार बता? भागवत का सार क्या है? ठाकुर जी की नाम। आप देखना इसी जगत में आप जो कुछ करना कर लो, जिसको पूजा करना संसार में दुनिया में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब सभी छूटे नहीं, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? बोले जोर से, यही बोलेंगे। बोले बेटा जितने तुमने राम का नाम लिए हो, जितने कृष्ण का नाम लिए हो, वही जा रहा है और सबको ही बात झूठा है, और तुमने जो कुछ किया केवल झूठे में जीवन जीवन बताया, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही। पत्नी रो रो करके दरवाजे तक चलेगी, उसको आगे नहीं चलेगी। परिवार वाले शमशान तक चलेगी, उसको आगे और कुछ जाने वाले नहीं। आगे क्या जाएगी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, साथ में केवल ठाकुर का नाम चलेगा, ठीक है ना? इसलिए अगर जीवन में ठाकुर का नाम को जिसने अपना लिया, समझो सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिया तुमने, सब ग्रंथ पढ़ लिया तुमने, अगर सब कुछ सुन करके पढ़ करके प्रभु का नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई, बोले सब जीरो है, सब तुम्हारी जीरो है, कोई काम में कोई आने वाले नहीं, ठीक है ना? इसलिए क्या करना? ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। अभी प्रभु जी इसी विषय पर कुछ बोलेंगे, ठीक है? मेरे घर का चाबी किसके पास है? घर का चाबी किसके पास है? वहां पर है मेरे घर की माला लेकर आज एक है ना, आज हम लोग एक माला जप करेंगे, ठीक है? अभी कथा के बाद में एक माला जप करके फिर जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिम्रंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मिन् श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पादाय राधिकाये प्रियात्मने शिष्यमते भक्ति विदान दर्शक नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तं वरवरेण्यं दुर्संभान्तं नारायणं त्वं शिवसाम्राज्ये। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले शिष्यमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णु पदाय आचार्य सिंह रूपिने शिष्यमते भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले शिष्यमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। हरे कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणनामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिखर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। सर्वप्रथम स्मृति गुरुपाद पद जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्तर शिष्यवत भक्तिवेदांत परमहंस त्रिदंडी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अगर चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग वंदन प्रणाम करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मनचासीन व्यास स्वरूप श्रील भक्ति विधान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरुदेव के रूप में उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपांत गुरु वैष्णव परंपरा के श्री चरणों को ध्यान करते हुए उनकी भी कृपा आशीर्वाद की कामना करता हूँ।
हरे कृष्ण उपस्थित वैष्णव वैष्णवी भागवत कथा पिपासु स्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। श्रील महाराज जी के आनुगत्य में गतकल्य हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कलश यात्रा के रूप में प्रथम दिवस की शुरुआत करी और बहुत ही अच्छे सुचारू ढंग से हमने कल के दिन को पूरा किया और आज द्वितीय दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का। आप लोग जो इस संख्या में आकर हमको उत्साह दे रहे हैं, इस उत्साह को थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है। आपका जो समय है आपके ही द्वारा महाराज जी को बताया गया है श्रीमद् भागवत कथा के लिए, आप थोड़ा अपने समय पे आने का थोड़ा सा कष्ट करें, क्योंकि जिस संख्या में आप लोग आ रहे हैं संख्या तो बहुत अच्छी है लेकिन समय का थोड़ा सा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। आपने जो समय दिया कल महाराज जी को कि महाराज जी इतने बजे कथा होनी चाहिए, महाराज जी तो आ जाते हैं मंच में लेकिन आप लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से पहले तो प्रार्थना करूँगा कि आप लोग समय पर आने का थोड़ा सा प्रयत्न करें, जिससे बहुत अच्छे से समय मिले महाराज जी को कथा बोलने का और हम लोगों को श्रवण करने का। तदुपरांत महाराज जी का आदेश है कि इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान के धाम को प्राप्त करने का जो सुनिश्चित एक मार्ग है इस समय में, जो एक प्रमाणिक मार्ग है वो क्या है, उसके विषय में कुछ बताने का महाराज जी ने आदेश दिया है। मैं कुछ बता तो नहीं पाऊंगा हरे कृष्णा, वो जो पहला वाला आदमी था ना उसको बैठा देना, उसको जाना नहीं। ठीक, हरे कृष्णा। तो मैं कुछ बता तो नहीं पाऊंगा, महाराज जी से जो श्रवण किया उसी को दोहराऊंगा, कुछ त्रुटि रहे तो महाराज जी अपनी निजगुणों से क्षमा करेंगे। श्रीमद् भागवत में ही सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज जी को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं इसी विषय को कि कलयुग में जो भगवत प्राप्ति का सबसे सरल तरीका है वो क्या है, उसका उत्तर बताते हुए कह रहे कि यस्य दोषे कलेर कलेर दोषे कलेर दोषे निधेराय अस्ति एको महान गुणा। कि यद्यपि यह जो कलयुग है दोषों की खान है और इसमें भी अनेक ऐसे दुर्गुण होने के बावजूद भी इसमें एक महान गुण है और वो महान गुण क्या है कि एकमात्र भगवान कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे उनकी। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये प्रमाणिक चीजें सारी, जैसे हम किसी भी प्रमाणिक विषय वस्तु को ही अपने जीवन में पालन करते हैं, जैसे ऐसे आप समझेंगे कि अगर आप अपने किसी बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं किसी स्कूल में तो आप देखेंगे कि क्या वो स्कूल प्रमाणिक है, अर्थात वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, वो CBSE द्वारा प्रमाणित है या किसी बोर्ड के द्वारा प्रमाणित है कि नहीं है। अगर वो प्रमाणित नहीं होगा तो हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन अगर नहीं कराते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जितनी भी बातें हैं हमको प्रमाणिक रूप में कौन कहता है उसको समझना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे पुराण हैं शास्त्र हैं ये सब प्रमाणिक हैं। क्यों प्रमाणिक हैं? क्योंकि इनके जो रचना करने वाले हैं श्री व्यास देव जी हैं और व्यास देव जी साक्षात तो भगवान के सत्ता वे अवतार हैं। भगवान को उन्होंने दर्शन किया है, दर्शन करने के बाद भगवान की लीलाओं को उन्होंने लिखा है। तो जितनी भी विषय वस्तु कल से हम आने वाली 8 तारीख तक सुनेंगे वो सारी की सारी आप प्रमाणिक होंगी और इन प्रमाणिक वस्तुओं को ही हमको श्रवण करना चाहिए। तो जो हम आज श्रवण कर रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे सरल तरीका एकमात्र भगवान का नाम संकीर्तन है। यही हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कलयुग में एकमात्र भगवान के नाम के द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना सुंदर सा नाम है कि भगवान को इस नाम के द्वारा हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो एक कलि संतरण उपनिषद में भी बताया
ये जो नाम है इसी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कि एकमात्र इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र हरि का नाम और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जितने भी बुद्धिमान जीव हैं वो सिर्फ एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और भगवान की शरण ग्रहण करने के पश्चात भगवान का जो आदेश है नाम संकीर्तन का, भगवान का आदेश अर्थात श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि नाम संकीर्तन करना है, और उन्होंने करके भी दिखाया है कि किस प्रकार से करना है, वो भी उन्होंने करके दिखाया है। तो हम सब लोग इस चीज़ को अपनाएं और भगवान की जो नाम की महिमा है उसको हम अपने जीवन में उतारें। नाम की महिमा तो बहुत है, श्रीमद् भागवत कथा से ही एक प्रमाण आता है अजामिल का, जो नाम का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से जो अजामिल था उसका उद्धार हुआ, किस प्रकार से उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो अजामिल की कथा इस प्रकार भागवत जी में आती है कि अजामिल एक ब्राह्मण थे और गृहस्थ में थे और अपने गृहस्थ का पालन करते थे। एक दिन वो जंगल से जाते हुए जंगल में उसने एक व्यक्ति को, स्त्री को मिलन करते हुए देखा, जिससे उनके हृदय में वो भावना बैठ गई और वो फिर उसके बाद उसका ही चिंतन करने लगे। फिर वो उस स्त्री से भी मिले और मिलके उससे फिर उसके साथ ही रहने लगे। उसके साथ रहते रहते उनसे उनको संतानें उत्पन्न हुई। तो वो इतने नैष्टिक ब्राह्मण थे कि अपने सारे जो गुण थे उनको सबको उन्होंने गवा दिया और भगवान की जो सेवा करते थे उससे भी वो वंचित हो गए। उस स्त्री का ही वो संग करने लगे और उसी के साथ रहने लगे। तो भगवत कृपा से एक बार वहाँ से कुछ संत लोग निकले, तो संत वहाँ पर ठहरे। उसके बाद में उन्होंने पिछले पूर्व संस्कारों से, सुकृतियों से, कुछ भगवान की कृपा से उन कुछ संतों की सेवा करी और उन्होंने फिर पूछा कि मेरा कल्याण कैसे हो। तो उन्होंने बताया कि इस बार जो आपका कोई संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रखना। तो जब अजामिल जी को संतान हुई तो उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। और संत ये भी बता के गए कि नारायण नाम रखने के बाद इनको तुम नारायण नाम से ही पुकारना, ऐसे नहीं कि किसी नारायण नाम रख तो दिया लेकिन उसको शॉर्ट करके में कुछ और बोलने लगे। तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है तो ये हम इस कथा के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अजामिल जब वृद्ध हो गए और चल फिर नहीं सकते थे, वृद्ध हो गए थे, तो जब उनका समय निकट आया तो उनको लेने के लिए यमदूत आए। जब यमदूत आए तो यमदूतों को देखकर वो घबरा गया और वो अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण बचाओ बचाओ इधर आओ नारायण नारायण। जो छोटा बच्चा था उनका पुत्र वो खेल रहा था घर से बाहर, लेकिन अजामिल जो था जोर जोर से पुकार रहा था नारायण नारायण बचाओ बचाओ। तो जब नारायण नारायण बचाओ बचाओ तो नारायण शब्द की धवनी विष्णु दूतों के कर्णों में पड़ी, तो उन्होंने भगवान को बोला कि भगवान कोई आपके नाम को पुकार रहा है। तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ देखो। तो वहाँ विष्णु दूत भी उपस्थित हुए और यमदूत वहाँ पहले से थे। तो यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में एक वार्तालाप हुआ। तो यमदूतों ने बोला कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही पाप करे हैं, इन्होंने इतने पाप किए हैं कि इनको यमराज जी के लोक ही जाना पड़ेगा, यमलोक ही जाना पड़ेगा। लेकिन विष्णु दूत बोले कि देखो इन्होंने जो किया वो तो ठीक है लेकिन अंतिम समय में ये भगवान के नाम को पुकार रहा है। भगवान ने भगवत गीता में भी ऐसे ही बोला है कि अपने अंतिम समय में जो जैसा ध्यान करता है वो वैसे शरीर को आगे प्राप्त करता है। कोई भगवान के नाम को पुकारता है तो निश्चित रूप से उसको सदगति ही प्राप्त होती है। इसमें मेरे को एक बहुत अच्छा था, एक और मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा आप लोगों को बताने के लिए कि श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद को, कि महाराज भगवान ने तो भगवद गीता में ऐसे बोला कि भगवान कह रहे हैं कि अपने अंतिम समय में
जो जिस भावना से शरीर छोड़ता है उसको वैसी शरीर की गति प्राप्त होती है, उसको वैसा ही अगला जन्म मिलता है। लेकिन कोई भी अपने गुरु का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़े, तो उसकी क्या गति होगी? तो श्रील स्वामी श्रील प्रभुपाद बोले कि वो भी वैकुंठ ही जाएगा, क्योंकि गुरुदेव उसको कहीं और लेके जाने वाले नहीं है। अगर वो गुरुदेव जो गुरुदेव वास्तविक रूप से सद गुरुदेव है, अगर वो उनका ध्यान करता है और शरीर उसका छूट जाता है, तो निश्चित रूप से वो भी भगवान के धाम ही जाएगा। तो इसी कारण से भगवान से भी कहीं ज्यादा करुणा निधान गुरुदेव होते हैं। भगवान तो यद्यपि हर जगह विद्वान है, हर जीव के अंदर विद्वान है, लेकिन उनकी करुणा को हम, वो करुणा तो कर रहे हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे, लेकिन करुणा किनकी दिख रही है? वो एकमात्र जीवन में सद्गुरुदेव की करुणा दिख रही है कि हम जिस मार्ग पे थे उस मार्ग से हमको हटा के भगवान की सेवा के मार्ग पे खड़ा कर दिया, संतों की सेवा के मार्ग पे खड़ा कर दिया, धर्म के मार्ग पर खड़ा कर दिया। तो भगवान की करुणा तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सद्गुरुदेव की कृपा है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि गत 3 वर्षों से यहाँ भागवत हो रही है, ये 3रा वर्ष है, तो अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाराज जी के माध्यम से भगवान से अपने आप को जोड़ा है हरिनाम के द्वारा? कितने लोग हैं ऐसे, हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि 7-8 लोग ही हैं बस। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये मनुष्य जीवन किस कार्य के लिए मिला है। आप लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि ये 3रा वर्ष है महाराज जी को यह भागवत कथा बोलते हुए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और ये प्रमाणित है कि ये कितने समय के लिए मिला है, ये हमको नहीं पता, तो हम जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन में सदगुरु को लेकर आए। और भगवान की कृपा तो यह हो रखी है कि सदगुरु आ रहे हैं पिछले 3 वर्ष से, क्योंकि ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ना, इसमें गुरु नहीं है, इसमें सारे ही सदगुरु हैं। गुरु तो आपको और भी जगह मिल जाएंगे, पता नहीं वो कैसे गुरु हैं, लेकिन यहाँ सदगुरु ही हैं। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के आए, भगवान से अपने आप को जोड़ें श्री नाम के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से। महाराज जी पिछली से पिछली साल कुछ भक्तों को हरि नाम देके गए, पिछली साल हरि नाम दिया, इस साल भी जो लोग अपने आप को भगवान की सेवा से जोड़ना चाहते हैं, भगवान से जोड़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले महाराज जी के सानिध्य में अपने आप को लेके आए, तब भगवान श्री कृष्ण हरि नाम के माध्यम से उनके झोली तक पहुँचेंगे। तो यही एक सुंदर और सुलभ रास्ता है अपने आप को भगवान से जोड़ने का, भगवान की सेवा से जोड़ने का। तो प्रसंग ये था कि विष्णु दूत और यमदूतों के बीच में जो वो वार्तालाप हो रहा था, तो यमदूतों ने बोला कि इसने अच्छा कार्य नहीं किया। तो विष्णु दूत बोले कि इसने अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन ये अपनी अंतिम समय में भगवान के नाम को पुकार रहा है। क्या नाम पुकार रहा है? नारायण नारायण। नारायण भगवान का एक नाम है, तो अब इसको हम ही लेके जाएंगे। तो विष्णु दूतों से यमदूतों को वहां से भगा दिया और कुछ उनका निश्चित कर दिया और समय। फिर अजामिल ने समझ लिया, ये सारा का सारा दृश्य अजामिल देख रहे थे, तो अजामिल को फिर ये सद्बुद्धि हुई भगवान की कृपा से कि मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, और उन्होंने भगवान का भजन किया। और फिर वो अपने अंतिम समय में हरिद्वार चले गए, हरिद्वार में जाकर उन्होंने भजन किया, वहाँ उनका शरीर छूटा। तो भगवान के नाम की कितनी महत्वता है, इसको हम भागवत जी के इस अजामिल के प्रसंग से मैंने बड़े संक्षिप्त में बता दिया। जो हरिनाम जो महिमा बताए सुना, अभी एक तरफ में जमदूत आए और एक तरफ में विष्णुदूत, दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हैं हम ले जाएंगे। इतने में जमदूत ने प्रश्न किया विष्णुदूतों को, भैया तुम कैसे ले जाओगे, तुम्हें पता नहीं ये व्यक्ति कौन है? पहले तो ये ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, पत्नी कम उम्र की बड़ी सुंदर थी हैं, और ये जो ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न थे, पिता माता की सेवा करना, गुरुजन को आदर देना, सवेरे उठ करके ठाकुर को सेवा पूजा करना, ये सारे सदगुण ये संपन्न ये था व्यक्ति। इसलिए विष्णुदूत बोले हम ले जाएंगे, जमदूत ने कहा आपको पता है इसने क्या किया, इसने अपना पत्नी को त्याग दिया, एक वेश्या को साथ में रहा, उसको हाथ में अमेद कुमेद भोजन किया है, फिर बच्चों को पालन करने के लिए चोरी गुंडा गिरती डाकू ऐसे कोई पाप नहीं उसने किया ही, सब तरह का पाप किया।
इसलिए सीधा ये नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया कुछ पुण्य भी तो किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले मरते समय प्रभु का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो और अंतिम समय एक बार राम बोल तो हो जाएगा सब। देखो ये कितना महिमा है बच्चों का नाम अगर प्रभु का नाम पर रखना। इतने में विष्णु दूत कहते हैं बोले मूर्खो, तुम्हें पता है भगवान का नाम में कितनी शक्ति? उसने जब बेटा का सबसे छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया था, बोले जो अंतिम समय में नारायण रखा है ना नाम, उसने जो जब बेटा का नाम नारायण रखा था तब उसका सारे पाप खत्म हो गया था। जैसे देखना सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, वो दिन भर बेटे को बुलाता रहता था, बोले बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण मेरे गोद में आ, नारायण मेरे भोजन ले आ, नारायण इधर आओ। देखना सबसे छोटा बेटा प्यारा होता है ना, उसने जब नारायण नारायण बोला जैसे माला जप करते ना ऐसे उसका माला जप हो गया। लेकिन जो अंतिम समय में जब उसने ठाकुर का नाम जपा, ये बड़े भाग्य से प्रभु का नाम निकलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले जनमा जनमा मोनी जाता कैसे कैसे। बोले सांकेत्यम परिहास्यम
तो महलन नवेवा। पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है इशारा करके, जैसे बेटा का नाम राम कृष्ण गोविंद रख दिया, बेटी का नाम गीता सीता लक्ष्मी राधिका रख लिया, जैसे बेटे को बुला रहे हो बच्चे को बुला रहे हो, इसको संकेत कहते हैं, इशारा कहते हैं। इसी में भी जीव का कल्याण होता है। इसलिए आप लोग देखना, जितने पहले पहले बड़े गुरुओं का नाम पूछो, सब गीता सीता लक्ष्मी है दुर्गा ये सब नाम होगा, और बच्चों का नाम गोपाल कृष्ण राम सब नाम होगा। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की है। इसलिए जितने विदेश में जो कुत्ते हैं ना, विदेश में जितने कुत्तों का नाम बच्चों का नाम करवा कहते, अरे सब किसी पुराना समय का नाम था ना, कृष्ण गोविंद राम सब पुराना का समय नाम था। अभी तो हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, सब अंग्रेजी नाम रखेंगे, सब कुत्तों का नाम नहीं। वृंदावन कौन कौन गए थे, कौन कौन गए थे वहाँ पर, एक इस्कॉन मंदिर जाना, एक इस्कॉन मंदिर जाना देखना, वहाँ पर अंग्रेजी बच्चों को देखना, छोटे छोटे अंग्रेजी बच्चे, कभी उनका नाम पूछना, बच्चों का नाम पूछना, ललिता विशाखा राधिका है चंपक लता सब लड़कियों का नाम, लड़कों का नाम देखना कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश सब भगवान के नाम देखोगे। ये अंग्रेज लोग अपना सभ्यता को छोड़ करके अभी हमारी हिंदू सभ्यता को ग्रहण करते हैं। आप देखना वहाँ पर स्त्रियाँ देखना लड़की, रसिया के अमेरिका में देखना लड़कियों को सबके सब अपना सर पर कपड़ा रख, अपना सर के ऊपर में कपड़ा रख करके देखोगे, गले में कंठी देखोगे, तिलक लगा रही है देखोगे। कभी उन बच्चों का नाम पूछ लेना, क्या उनकी बच्चों का नाम क्या पूछ लेना। इसलिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, ये महान संस्कृति है। इसलिए कभी वृंदावन जाओगे वो मंदिर में जा करके बच्चों को देख लेना। इसलिए बच्चों का नाम उल्टा पुल्टा नहीं करवाना, ठीक है ना, कृष्ण गोविंद गीता सीता सब ठाकुर का नाम लेना, इसी से ही हमारी कल्याण होने वाला है। हरे कृष्णा। देखो अभी हम लोग ने हरि नाम की बहुत महिमा सुने, हम एक माला करेंगे, ठीक है, बैठ करके एक माला जप करेंगे। इधर सुनो ये माला की क्या महिमा है, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, ध्यान करके सुने। तीस बार एक दिन चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, गृहस्थ भक्तों ने, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन। महाप्रभु बोले देखो हम सबका खाना नहीं खाते, सबकी घर में खाना नहीं खाते हैं। बोले प्रभु किसकी घर में खाना खाओगे, बोले जो लखपति होगा। आज से 550 साल पहले का बात है, लखपति मतलब है जिसकी घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर, 1-1 रुपया एक सोने के मोहर का। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते, हमारा घर में 100 रुपया तक भी नहीं। 100 रुपया मतलब जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा, क्या हमारे घर में अब खाना ही नहीं खाओ, भोजन नहीं करोगे। फिर भगवान उनको समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले जो रोजाना 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, जो 1,00,000 हरि नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहते हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ बजे गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा बजे गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी माखी वो कंगाल। हाँ मेरे तरफ में देखो, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन नाम सुने होंगे, वो बोलता था करोड़पति कौन बनेगा, कौन करोड़पति बनेगा। हाँ एक सीरियल आती थी ना, करोड़पति कौन बनेगा, महाप्रभु कहते हैं है? इसलिए कहते हैं महाप्रभु कहते लखपति कौन बनेगा। अब सब मेरे तरफ में देखो, मेरे तरफ में ध्यान दो, आप लखपति कैसे बन सकते हो, मेरे तरफ में देखो। देखो ये माला है, ये माला में, ये माला जप करते समय ये जो अंगुल को इसे सीधा रखना, ठीक है, ये अंगुल गद्दा अंगुल है, इसलिए ये अंगुल को हम ऐसे रखते हैं, जैसे सबसे पहले ये अंगुल निकलता है ना, हम तुमको देख लेंगे सबसे, यही बोलते हैं ना, ये सबसे पहले ये निकलता है, हैं? इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकालते हैं, और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रखते हैं माला को। देखो ये सुमेरु है, हैं? इसको ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रखना, रख करके जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल करके ना एक मोती सर काटे, फिर दो बार बोल रहे दो मोती, तीन बार तीन मोती, देखो लखपति कैसे बनोगे, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जब हरि नाम का 16 बार नाम होंगे हैं, इसमें 108 मोती हैं, अगर उसको एक राउंड अगर कर लिया, अगर जैसे एक करते करते यहाँ पर खत्म हो गया, फिर हम घुमा करके दूसरे तरफ में करते हैं, अगर इसे 16 माला कर लिया ना वो हो जाता है 25 यहाँ का, अगर 64 माला कर लिया तो हो गया 1,00,000। ये भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। ये भगवान खुद कहते हैं 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट ही हो गई, बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी। गिरा कहती है दिन दिन बढ़ता सवायो पायो जी राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 किया ना दीन दीन बढ़त सवाय, मतलब दूसरे दिन 1,25,000,000 और चौथा दिन में 2,00,000, चौथा दिन में 2,00,000 हो गया तुम्हारी। ये धन इतने जल्दी बढ़ती है। तब मीरा कहती है अगर इसी जीवन में हमारे पास में 100 करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कितने की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ों की प्रॉपर्टी, अभी तुम्हारे शरीर में छूट गया, बताओ ये प्रॉपर्टी कितना जाएगा तुम्हारे साथ में, जाएगा, एक पैसा भी छू नहीं सकते यहाँ से। लेकिन ये ऐसे के धन है, अगर ये धन को लूटते लूटते अगर शरीर छूट गया ना, चोर नहीं लगे लूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सवाय, इसको कोई नहीं ले सकते, केवल तुम ही अधिकारी बनोगे। पति कमाएगा पति अधिकार, पत्नी नहीं ले सकती, पत्नी कमाएगा तो पत्नी अधिकारी बनेगी, इसको कोई नहीं ले सकते। ये धन ऐसे के धन है और यही धन ही काम में आएगा। ठीक है, अभी बैठ करके एक माला जप करेंगे, प्रभु जी आपको माला दे रहे, दो दिन व्यक्ति लेंगे माला माला हो। देखो जिनके पास माला वो माला नहीं लेना, जिनके पास नहीं वही माला ले, और ये माला जप करके मेरे को वापस देना, घर में लेना नहीं, ये तो पाप लगेगा। जो माला लेगा बाद में दूंगा, लेकिन जप करके मेरे को वापस दे देना, जप करके मेरे को वापस देना, फटाफट करो। जिसको पास में नहीं केवल वही ले। हाँ, जिनके पास में पहुंचा ठीक है, और जिनके पास में नहीं पहुंचा ना, आप लोग ऐसे ही करो, मेरे साथ साथ में करोगे तो फल मिल जाएगा। लेकिन आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं कैसे माला जप करनी चाहिए। माला कोई घर में नहीं लेना, पाप लगेगा, घर माला जप करके मेरे को वापस देना। ठीक है, जिनके पास में नहीं पहुंचेगा फिर बाद में मेरे साथ साथ में करो, फल मिल जाएगा। ठीक है, सबके सब आंख बंद कर दो, समझो हम वृंदावन में श्री बांके बिहार जी के चरण में बैठे हैं, ठाकुर जी के चरण में बैठे हैं। ठीक है ना, मन को वृंदावन ले चलो और आंख बंद कर लो, सबके सब आंख बंद करो, इधर सुनो सबके सब, जो हरि नाम करेगा उसका पाप ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ऊपर उड़ करके पाप बैठेगा कहाँ पर जो नहीं करेगा। इसका मतलब जिसको पास में माला पहुंचा नहीं पहुंचा, सबके सब माला बन, नहीं तो ये सबका पाप सर पर जाकर चढ़ जाएंगे, इसलिए सबके सब आंख बंद करके और मेरे साथ में जप करो। ठीक है, हाँ बोलो हरे कृष्ण, हरे आंख बंद कर लो सबके सब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण।